महात्मा गांधी ने कहा था, स्वच्छता आजादी से अधिक महत्वपूर्ण है। उनका सपना था सबके लिए संपूर्ण स्वच्छता। भाइयों बहनों, महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था सफाई, स्वच्छता। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में भारत में स्वच्छता कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया। बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़कर के भागेगी नहीं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस स्वप्न को सच करने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने नए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इसी क्रम में वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए और देश के हर नागरिक तक शौचालय सुविधाएं पहुंचाने के लिए सरकार वो सभी कदम उठाने को तत्पर है, जिससे देश में कोई भी खुले में शौच करने को मजबूर ना हो। हमें एक ऐसे देश का निर्माण करना है जो पूरी तरह साफ और स्वच्छ हो, जिसमें अपशिष्ट के निस्तारण और प्रबंधन की समुचित सुविधाएं हों। स्पष्ट है कि स्वच्छ भारत के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्नत नई तकनीकों का इस्तेमाल करना होगा, जो सस्ती हों पर मजबूत हों, जिनके रखरखाव में आसानी हो। साथ ही हमें राज्यों के साथ विचार विमर्श के आधार पर नीतियां तय करनी होंगी। इसी संदर्भ में हाल ही में मंत्रालय ने इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज की एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया, जहां पेयजल एवं शौचालय से जुड़ी नई तकनीकें प्रदर्शित की गईं और राज्यों से आए मंत्रियों और अधिकारियों से स्वच्छ भारत का लक्ष्य प्राप्त करने पर चर्चा की गई। प्रदर्शनी में जलदूत नाम की एक ऐसी टेक्नोलॉजी दिखाई गई, जो किसी भी सरफेस वाटर सोर्स से पानी लेकर मात्र 20 मिनट में लगभग 500 लीटर पीने का पानी उपलब्ध करा सकती है। एक और अनूठा तरीका भी पेश किया गया, हवा से पानी बनाना। ये तकनीक हवा में बसी नमी को पानी में तब्दील कर पीने का पानी उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त नई तकनीक पर काम करने वाले विभिन्न शौचालयों के मॉडल भी इसी प्रदर्शनी में देखने को मिले। प्रोफेसर माशेलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया गया है, जो नई तकनीकों का चयन करेगी, जिनसे स्वच्छ भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। हमारा इंटरेस्ट क्वालिटी में है, हमारा इंटरेस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट में है, हमारा इंटरेस्ट कितने सालों तक मजबूत रहेगी उसमें है। हमको सस्ती टेक्नोलॉजी चाहिए, बेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए और लोगों को अनेक सालों तक बेनिफिट देने वाली टेक्नोलॉजी चाहिए। यद्यपि नई सरकार ने अपने पहले 100 दिनों के लगभग सभी निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, फिर भी भारत को स्वच्छ बनाने में अभी कड़ी चुनौतियां सामने हैं। देश में अभी भी लगभग 11.11 करोड़ घरों में निजी शौचालयों के निर्माण की जरूरत है। पहला फोकस देश के सभी स्कूलों में 15 अगस्त 2015 तक बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालयों के निर्माण पर है। शौचालयों के निर्माण के लिए दी जाने वाली सब्सिडी की राशि को भी बढ़ाए जाने पर विचार हो रहा है। सरकार एक जन सामुदायिक सूचना तथा संचार कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच स्वच्छता के विषय में जागरूकता बढ़ाना चाहती है। इसके लिए देश भर में राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर मास मीडिया, प्रिंट मीडिया, डायरेक्ट मीडिया और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सहित विभिन्न जागरूकता और मीडिया गतिविधियां शामिल करने की योजना है। हालांकि हमारे सामने एक बड़ा लक्ष्य है, पर अपने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ अपने फलदायी सहयोग
और पार्टनरशिप की बदौलत हम इसे हासिल कर दिखाएंगे। जय हिंद।